नमस्कार दोस्तों, मैं लुकमान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जनरल नॉलेज अवेलेबल हियर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा और सही पढ़ा है। आज आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि वह ऐसा क्या है जिसके बारे में इंसान नहीं सोचते हुए भी सोचता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या कमी है जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से जीने से रोकती है, जिसको आपको ना सोचते हुए भी सोचना पड़ता है? जी हाँ, आज आपको मैं 10 नकारात्मक विचार के बारे में बताने वाला हूँ जो आप ना चाहते हुए भी सोचते हो। पहला है, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। दूसरा है, मैं ये नहीं कर सकता। तीसरा है, मैं अन्य लोगों की तरह भाग्यशाली नहीं हूँ। चौथा है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी यह कर पाऊँगा। और पांचवा है, मैं उससे बेहतर नहीं हूँ। छठा है, मैं काफ़ी मजबूत नहीं हूँ। सातवा है, मेरा कोई परवाह नहीं करता है। आठवा है, मैं काफ़ी स्मार्ट नहीं हूँ। नौवा है, मैं कुछ भी अच्छा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं असफल हूँ। और दसवीं चीज़ जो है दोस्तों, कुछ भी करने से पहले वो ये सोच लेता है कि मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन 10 नकारात्मक विचारों से हम छुटकारा कैसे पाएं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, एकदम ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। हर वह काम मैं कर सकता हूँ जो नामुमकिन है। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे मिली इस ज़िंदगी के लिए। मैं किसी भी असफलता को सफलता में बदलने की पूरी ताकत रखता हूँ। मैं कभी हार ही नहीं सकता, मेरे अंदर अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। तो मैंने जो भी आपसे इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने, आप सभी लोग जानते होंगे आचार्य चाणक्य की पुस्तक के बारे में, मैंने उसको 3 साल में 4 मरतबा ख़त्म किया है दोस्तों। और मैंने पॉकेट FM में ऑडियो बुक के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को रीड किया है, उसके बारे में नॉलेज लिया है। और उन चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, मैं जो उन चीज़ों से सीखा है वो आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही कहना है और गुजारिश भी है कि मैंने जो भी आपको एफर्मेशन बताया है उनके बारे में अच्छे से सोचें और उसको सुने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर आप ऐसा 21 दिन तक करते हैं तो दोस्तों, आपको एक ऐसा बदलाव अपने अंदर देखने को मिलेगा जो इससे पहले नहीं था।